नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार के डेली अपडेट में। चलिए दिन की खबरों के साथ हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच आपके मोबाइल में। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आने वाले नोटिफिकेशन पाएं आपके मोबाइल में। चलिए फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। सिमडेगा के ठेठे टांगर कसडेगा डीपाटोली गांव में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए SDO महेंद्र कुमार पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी नेता दिलीप तिर्की के प्रयास से काफ़ी संख्या में ग्रामीण बढ़ चढ़ कर वहाँ पर टीकाकरण के लिए पहुँच रहे थे। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर हम सभी 100% टीकाकरण करवाते हैं तो हमारा समाज ही नहीं पूरा देश कोरोना मुक्त बनेगा। मौके पर उन्होंने समाज के लोगों का भी आभार व्यक्त किया ताकि जल्द से जल्द टीकाकरण हो सके। इधर जलडेगा प्रखंड के ओड़गा में मिशन बदलाव की ओर से कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। मौके पर मिशन बदलाव के सदस्यों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया ताकि जल्द से जल्द लोग टीकाकरण करवाएं और अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रख सकें। इधर किरसई पुलिस ने लगातार ई पास की व्यवस्था को देखते हुए बारीकी से जांच करने की दिशा में पहल कर दी है, जहां पर आने जाने वाले लोगों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से लोग घरों से निकलने के लिए कतरा रहे हैं। हालांकि कई लोग बिना पास के घूमते हुए पाए गए, ऐसे लोगों पर चिन्हित करते हुए कार्रवाई की गई और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बहरहाल जिले में ई पास पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। इधर ठेठे टांगर पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मंगलवार को ठेठे टांगर साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से वीरान रही। जो बाजार में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी, वह बाजार बंद रही। चौक की स्थिति पर बात करें तो चौक पूरी तरह से वीरान छाए रही। जो महत्वपूर्ण सामान है जिसे सरकार ने छूट दिया है, उनकी दुकान खुले रही, बाकी सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। हमारे संवाददाता के मुताबिक यहाँ के लोग बाजार पर जाने से कतरा रहे हैं और साथ ही सभी सरकार द्वारा जारी नियमों को पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना मुक्त ठेठे टांगर बन सके। इधर सिमडेगा में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ सिमडेगा जिला इकाई के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह के निधन के बाद शिक्षा जगत में शोक की लहर है। बताया गया कि वो कोरोना संक्रमित थे और राउरकेला स्थित जयप्रकाश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहाँ पर मंगलवार को अहले सुबह उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षक एवं तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी दुख जताया है। वहीं इनके मौत के बाद नगर परिषद सिमडेगा की ओर से उनके सिमडेगा आवास का बारीकी से सैनिटाइज करवाया गया। मौके पर उनके घर के अंदर कमरों की बारीकी से सैनिटाइज करवाई गई ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले और लोग सुरक्षित रह सकें। बताया गया कि शिक्षक श्याम सुंदर सिंह विगत कुछ दिनों से बीमार थे और उन्हें सिमडेगा से बेहतर इलाज के लिए राउरकेला भेजा गया था, जहां पर उनकी जयप्रकाश हॉस्पिटल में इलाज चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ते चली गई और फिर उनकी हालत में सुधार नहीं हुई, जिसके बाद मंगलवार की अहले सुबह सिमडेगा में उनकी मौत की खबर आई। हालांकि उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उड़ीसा में भी किया गया। सिमडेगा में लगातार किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब भाजपा उनका सहयोग कर रही है। बोलबा में किसानों को लैंपस में बेचे गए धान का पैसा नहीं मिलने के विरोध में हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलबा के मंडल अध्यक्ष सुरजन बड़ाइक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड की सरकार पूरी तरह से अवसरवादी है, वह किसानों की हित नहीं देख रही है। अगर किसानों की हित की बात होती तो वह तत्काल लैंपस में बेचे गए धान के पैसा उनके अकाउंट में देता, लेकिन आज तक नहीं मिला है, इसीलिए हम मांग करते हैं। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के वार्ड 12 अंतर्गत साहू मोहल्ला में लावारिस अवस्था में एक मवेशी की मौत हो गई, जिसके बाद नगर परिषद की ओर से उसे JCB लाकर अंतिम संस्कार करवाया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देव कुमार राम ने कहा, लोग शहरी क्षेत्र में अपने पशुओं को लावारिस हालत में छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनकी मौत होने पर नगर परिषद को परेशानी होती है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने पशु का निगरानी करें। उपायुक्त सुशांत गौरव ने लंबे समय के बाद जलडेगा प्रखंड के ओड़गा पंचायत अंतर्गत सारू बहाड़ पहाड़ टोली गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद आज भी गांव पूरी तरह से काला पानी है। गांव में पीने की पानी समस्या है, सड़क नहीं है,
सहित कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसे जानने के लिए स्वयं उपायुक्त गांव गए। ऐसा मानते हैं कि सिमडेगा उपायुक्त ने लगातार लोगों को मॉनिटरिंग कर सभी प्रकार की सुविधा देने की बात कही और कहा जल्द ही गांव में शुद्ध पेयजल होगा और गांव में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी। उपायुक्त सुशांत गौरव की सराहनीय पहल पर लोगों ने भी उनका आभार व्यक्त किया है। इधर सिमडेगा SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने जिलेवासियों को COVID-19 महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार के दिशा निर्देशों को पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस द्वारा जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। सिमडेगा के सभी सीमावर्ती राज्य वाले क्षेत्रों को सील कर दिया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों की बारीकी से जांच किया जा सके। उन्होंने कहा सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन ना हो एवं जनमानस की स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सभी लोग ड्यूटी करें ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके और खुद भी सुरक्षित रह सकें। इधर सदर प्रखंड के तामड़ा पंचायत भवन में पंचायत स्तरीय गठित टास्क फोर्स के साथ JSLPS की BPM एवं तामड़ा पंचायत के मुखिया हीरा राम के द्वारा बैठक करते हुए उन्हें कहा कि पंचायत में सभी प्रकार के कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हेतु आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है ताकि समाज कोरोना मुक्त बन सके। जलडेगा के ओड़गा थाना प्रभारी संदीप कुमार की सराहनीय पहल, लगातार क्षेत्र में स्वयं गश्ती अभियान चलाकर पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र उड़ीसा का सीमावर्ती है, ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भी हम नियम पालन कराने की अपील कर रहे हैं ताकि लोग नियम पालन करें और नियमों का उल्लंघन नहीं हो। उन्होंने कहा लोगों से उम्मीद है कि आप सभी नियमों का पालन करेंगे। इधर ठेरेटांगर प्रखंड अंतर्गत केरिया पंचायत के घटतरी गांव में रायमुनी देवी नामक महिला का घर को जंगली हाथियों के द्वारा नुकसान कर दिया। बताया गया कि देर रात महिला सोई थी, इसी बीच हाथी का झुंड धमका और उनके घर को तोड़ दिया। बाद में उनके घर में रखे हुए अनाज को भी खाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पंचायत के मुखिया शिवराज बड़ाइक तत्काल रायमुनि देवी के घर घटतरी पहुंचे और उन्होंने तत्काल 10 किलो चावल देकर उनकी मदद की। साथ ही कहा जल्द ही सरकार द्वारा नए आवास एवं सभी प्रकार की सुविधा दिलाने की मांग करेंगे। सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा के सभी मोर्चाओं में विशेष रूप से हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर उन्होंने कहा राज्य सरकार किसानों की खरीदी हुई धान का पैसा नहीं दे रही है और राज्य सरकार खुद को किसान का बहुत बड़ा हितैषी समझती है, लेकिन पूरी तरह से झूठ है। हम भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें ताकि हेमंत सोरेन की सरकार की नींद जगे और वे किसानों के धान का भुगतान करें। आपको बताते चले सिमडेगा जिला के केरसई, कुरडेग, जलडेगा, बानो, कोलेबीरा, पाकड़ाण सहित सभी मंडलों में एक दिवसीय वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया गया। ठेरेटांगर पुलिस अपराध नियंत्रण के दिशा में लगातार पहल करते हुए छापेमारी अभियान के साथ साथ वाहन जांच अभियान भी चला रहे हैं। इसी के तहत वाहन जांच अभियान के दौरान सही प्रकार के आवश्यक कागजात, हेलमेट, लाइसेंस, BOC सहित सभी चीज़ों की जांच की। साथ ही कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। इसके अलावा दो पहिया, चार पहिया वाहनों की पास का भी बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही कहा बिना पास के अगर पकड़े जाएंगे तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा, साथ ही नियमों का उल्लंघन में जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए सभी लोग पास का प्रयोग करें। सिमडेगा जिला में कोरोना वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अब तक 65,338 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और सभी लोग सुरक्षित हैं। DDC अरुण वाल्टर संगा ने बताया है कि जिला में जिस प्रकार तेजी से लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो जल्द ही 100% वैक्सीन दिलाकर सभी लोगों को कोरोना से मुक्त करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आकर वैक्सीन जरूर लें। सिमडेगा में कोरोना मरीजों की बात करें तो आज 113 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं, जबकि जिले में आज 70 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार मरीजों के आंकड़े कम हो रहे हैं, जिससे कि राहत भरी खबर है। वहीं पाकड़ाण प्रखंड की एक कोरोना संक्रमित मरीज महिला गर्भवती होने के कारण सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे विशेष डॉक्टर की टीम के द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दी है। बताया गया महिला सिकरिया डांड की है और वह संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उसे सर्जरी करने के साथ बच्चे को जन्म दी है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए।